अब मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि वो मेरे डैड 2002 में रघुनाथ मंदिर में जो मिलिटेंट अटैक हुआ था उसमें शहीद हुए थे. सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड क्योंकि ये एक अच्छा मोमेंट होता है कि आपके फैमिली से किसी ने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है. तो यस आई विश ऑल्सो कि मैं भी उन्हीं की तरह देश के लिए कुछ करूं. तो या इट्स अ वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस. मैं 1.5 साल की थी तो मैंने तो उनको देखा भी नहीं है. सो वो एक्सपीरियंस मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसा होता है एक डैड के बिना रहना. बट हाँ मॉम है, स्ट्रॉन्ग है, वो उनको भी स्ट्रॉन्ग करना है और ख़ुद भी रहना है. तो यस नहीं, बहुत अच्छी बात है. इससे और भी लोग इंस्पायर होते हैं और वो जो सल्यूट जो मतलब जो भी शहीद हुए हैं जो मार्टियर्स हैं तो उनके इससे ज़्यादा हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. ये भी करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और यही उनका सल्यूट है, यही उनको नमन है हम सब की तरफ से. उनको जितना याद किया जाए या जितना नमन किया जाए वो कम है. बट ये एक दिन फॉर्मलाइज्ड डे है जिस दिन ज़रूर सब इकट्ठे होके पुलिस का मेमोरेशन डे को ऑब्जर्व करते हैं. मार्टियर्स की फैमिली के साथ खड़े रहना या उनके यू नो दुख सुख में उनके साथ रहना, इट इज़ नॉट ओनली आर ड्यूटी बट इट इज़ ऑल्सो अ प्रिविलेज फॉर अस. अमित कुमार बोवल, कांस्टेबल्स रंजीत बैनर्जी. फर्स्ट अक्टूबर पुलिस कमेमोरेशन डे, ये हमारे लिए एक बड़ा मुकद्दस अहम इम्पॉर्टेंट दिन है. इस दिन को हम जो हमारे शहीद हैं उनको याद करते हैं, उनके गैलेंट, उनकी ब्रेवरी
उसको याद करते हैं। मणिपुर हेड कांस्टेबल ए सुरचंद्रा सिंह, राइफलमैन जी नवकांता शर्मा, वीडीएफ लिहरी कोमौ, ड्राइवर कलिदवत सुच्यांग, टीआई हवालदार सुनील कुमार नाइक, कमांडो सुधीर कुमार तुडू। हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद नारी सशक्तिकरण की जीत की जाती है, मिसाल के लिए पेश किया हमने मदारस और एडवोकेट मोहम्मद जमान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए हमारे चेयरमैन हमारे।